This is part 4 of unit 3 section A class 4 English. जब ओलिवर ने अपनी सारी डिटेल्स टीचर को दे दी, द टीचर वेरीफाइड द फैक्ट्स. टीचर ने उसकी सारी बातों को फिर से वेरीफाई किया एंड कंक्लूडेड दैट ओलिवर वॉज नॉट गिल्टी. और ये निष्कर्ष निकाला कि ओलिवर की कोई गलती नहीं है. आई एम सॉरी ओलिवर, आई मेड अ मिस्टेक. मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई. यू कैन कम्प्लीट योर पेपर, ही सेड. और उसके टीचर ने कहा कि तुम अपना पेपर अब कम्प्लीट कर सकते हो. हु डू यू थिंक गॉट द हाइएस्ट मार्क्स. तुम्हें क्या लगता है कि किसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं. ओलिवर ऑफकोर्स, कि हाँ ओलिवर को ही सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ओलिवर वॉकड अप टू द स्टेज, जब अगले दिन ओलिवर स्टेज के ऊपर गया, ही वॉज सरप्राइज टू सी द न्यू चेयर पर्सन. वो उस नए चेयर पर्सन को देखकर सरप्राइज हो गया. इट वॉज द सेम ओल्ड मैन ही हैड नॉक डाउन विद हिज बाइसिकल. क्योंकि वो चेयर पर्सन वही बूढ़े आदमी थे जिसकी ओलिवर से टक्कर हो गई थी और ओलिवर ने अपनी बाइसिकल की टक्कर से उन्हें गिरा दिया था. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, वी शुड नॉट चीट. हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए. इफ समबडी हैज कॉट आस विदाउट आर मिस्टेक, और किसी ने अगर हम पकड़ लिया और उसमें हमारी गलती नहीं है, तो वी हैव टू प्रूव दैट थिंग. हमें उस चीज़ को प्रूव करना चाहिए बजाय के उस चीज़ को मानने से. अगर आप उस चीज़ को मानोगे तो यू विल बी फाउंड गिल्टी. आपको गिल्टी माना ही जाएगा, आपको उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना ही जाएगा.